अजित पवार गुट के नेता धर्मराव बाबा आत्राम के लड़की ने शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। अब पिता के सामने पुत्री चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर बात करते हुए मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने कहा कि अच्छा नई पार्टी नया काम हाथ में, उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। मैंने ठीक ठीक वह नहीं सुना जो उसने कहा, मेरे घर में नव दुर्गा विराजमान है, कोई आदमी देवी नहीं बन सकता, उस लिहाज से तो ठीक है, देखते ही क्या कहा क्या। मुझे विपक्ष में जीत की उम्मीद है। मैंने ये तो नहीं देखा या सुना कि किसने प्रणाम किया, लेकिन वे अलग अलग पार्टी में हैं। उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, उनको पूरा आशीर्वाद है। मैं नहीं बता सकता कि उनके पीछे क्या है क्या नहीं है, उनकी भाषा सुधारनी चाहिए, वे राजनीति में नए हैं। अभी उन्होंने जो बोला होगा, जोश में बोला होगा, वह अलग कहानी है। वह लोकसभा में नहीं गए हैं, मैं लोकसभा में चला गया, मैं विधानसभा में चला गया, मैंने सभी काम अच्छे से किए। अब स्थानीय लोग 2 महीने में फैसला देंगे। नई पीढ़ी उनकी प्रेरणा है, वे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सबको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मैं ये नहीं सिखा सका, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, और मैंने जो वापस कहा उसके बाद हमारे पास एक तरीका है। वरिष्ठ बोलते हैं सबको रुकना चाहिए, अब नए लोग शामिल हो गए हैं और वे नई पार्टी में चले गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। चांगला है, नवीन पार्टी नवीन काम हातामध्ये घेतलंय, अपेक्षा करू काहीतरी चांगलं घडेल। ठीक आहे, नवदुर्गा तर माझ्या घरामध्ये बसलेला आहे, एक माणूस देवी बनू शकत नाही, त्या दृष्टिकोनातून ठीक आहे, जे बोलले ते पाहू पुढे। बेटी इस निर्णय के बाद शरद पवार पर बोलते हुए आत्राम ने कहा कि ठीक है, एक नया पिता ढूंढो, अपने पिता को छोड़ो और एक नया ढूंढो, देखते हैं वे क्या करते हैं, 50 वर्षों तक लोगों के लिए काम क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर घर टूट गया तो देखते हैं आगे क्या होता है। किसी ने घर तोड़ दिया है, मैं 50 साल का हूँ, वे 8 साल के हैं, उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगर उन्होंने गढ़चिरौली पर कब्जा कर लिया तो मैं भारत में था। चांगला है, नवीन पीढ़ी फार स्फूर्ति असते, काहीतरी करायचा असते, परंतु आपण बोलत असताना सगळ्यांच्या मर्यादा ठेवून बोललं पाहिजे, हे थोडंफार ते काय मी शिकू शकलो नाही, हे माझ्यामध्ये काहीतरी चूक आहे, आणि जे मी मागे बोललो होतो आमच्याकडे काही पद्धत असते, वरिष्ठांनी बोलल्यानंतर सगळ्यांनी थांबलं पाहिजे असं प्रकारचं असते, परंतु ठीक आहे, आता नवीन लोक त्यांच्यासोबत जुळले आहेत आणि नवीन पक्षामध्ये ते गेलेले आहेत, आणि आपण अपेक्षा करू काहीतरी चांगला होईल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।